उधर अमेरिका ताइवान का खुलकर समर्थन कर रहा है। अमेरिका ने कहा कि चीन की हरकत उकसाने वाली है। अमेरिका ने यह भी कहा कि उसके जंगी जहाज ताइवान पहुंचेंगे, ताइवान की मदद करेगा अमेरिका। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि चीन की तरफ से जो किया जा रहा है वो उकसाने वाला काम है और ऐसे में ताइवान की मदद के लिए अब अमेरिका आगे आ रहा है और अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका के जंगी जहाज ताइवान पहुंचेंगे। ताइवान से चीन के तनाव के बीच अमेरिका ने चीन को कड़ी चेतावनी जारी कर दी। कहा ताइवान पर चीन का कदम उकसाने वाला है, उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ताइवान की सीमा में चीन के युद्धाभ्यास के बीच अमेरिका की फिर एंट्री हुई। अमेरिका ने ताइवान की सीमा में चीन की सैन्य गतिविधि को उकसाने वाला कदम बताया, इलाके में शांति और स्थिरता को कमजोर करने वाला कदम कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यालय की तरफ से कहा गया कि अमेरिका ताइवान के समर्थन में खड़ा रहेगा, उसकी रक्षा के लिए शांतिपूर्ण तरीके से मजबूत कदम उठाएगा। अमेरिका ने यह भी कहा कि चीन की हरकतें उसके उद्देश्य को दर्शा रही हैं। वो ताइवान को डराने की कोशिश कर रहा है। चीन का कदम ताइवान को कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर करने वाला है। अमेरिका भले ही ताइवान के समर्थन की बात कह रहा हो, लेकिन ताइवान की सीमा के करीब चीनी सेना का युद्धाभ्यास एक तरह से जंग के ऐलान जैसा है। चीन के मिलिट्री ड्रिल ने गंभीर हालात पैदा कर दिए। जंग में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब लगता है कि दुश्मन को कोई हरा नहीं सकता है। चीन भी ताइवान के साथ कुछ ऐसी ही परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश में लगा हुआ है। चीन ने चुपके चुपके एक ऐसा हथियार डेवलप कर लिया है जिसकी अमेरिका और रूस को भनक भी नहीं लगी है। चीन इस वक्त हथियारों की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बना हुआ है। चीन एक से बढ़कर एक नए हथियार लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। ताइवान को डराने के लिए अब चीन ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। ऐसा दावा कि पूरी दुनिया चौंक गई है। ये हेडलाइंस देखिए, जिसका मतलब है उड़ती पनडुब्बियां। चीन सबमरीन ड्रोन का परीक्षण कर रहा है जो उड़ भी सकता है और तैर भी सकता है। ये देखकर आप हैरान रह गए ना। दरअसल ये चीन की तरफ से पेश की गई ऐसी चुनौती है कि दुनिया के बड़े बड़े कर्नलों और जनरलों के माथे पर बल पड़ गए। मतलब चीन एक ऐसा सबमरीन यानी पनडुब्बी बना रहा है जो पानी में तैरती भी है और फिर हवा में हवाई जहाज की तरह उड़ भी सकती है। एक ऐसा सबमरीन जिसके हवाई जहाज की तरह पंख भी निकले हुए हैं और ये पंख तैरने में उसकी मदद करते हैं और उड़ने में भी। ये कल्पना से परे है। जैसे मछली के उड़ान की कल्पना नहीं की जा सकती, वैसे ही पनडुब्बी उड़ने लगे इस सपने को साकार करना भी बहुत मुश्किल है। जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में बोट कार की कल्पना की गई थी जो पानी में बहुत स्पीड से तैर सकती है और फिर पानी से निकलकर सड़कों पर भी दौड़ने लगती है। लेकिन हकीकत में और जंग की दुनिया में इसको साकार करने का दावा किया गया है चीन की तरफ से। पूर्वी चीन में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है नैनजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स। नैनजिंग यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च टीम ने दावा किया है कि उसने एक प्रोटोटाइप फ्लाइंग पनडुब्बी बना ली है। हालांकि चीन इसको सबमरीन ड्रोन कह रहा है, लेकिन दुनिया भर के अखबार इसको फ्लाइंग सबमरीन कह रहे हैं। यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम ने इसका परीक्षण किया है और ये पाया है कि ये पनडुब्बी उड़ने में सक्षम है। 8 अगस्त को साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने यह दावा किया है। चीन हमेशा की तरह खतरनाक और विनाशक हथियार बनाने के निर्माण में लगा हुआ है। वायु वेपन के सबसे ज्यादा प्रयोग भी चीन में होने के दावे किए जाते हैं, लेकिन अब एक नई बात निकल के सामने आ रही है कि चीन उड़ने वाली पनडुब्बी बना रहा है जो बेहद ही खतरनाक है। लेकिन चीन ये कहकर दुनिया को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है कि वो इस पनडुब्बी का निर्माण सिविल यूज यानी नागरिकों की सुरक्षा के लिए करने जा रहा है। चीन का दावा है कि उसकी फ्लाइंग पनडुब्बी के दो पंख हैं और ये आसमान में इन्हीं दो पंखों से उड़ जाती है।
जब ये फ्लाइंग सबमरीन समंदर के अंदर जाती है तो इसके दोनों पंख मुड़ जाते हैं। चीन का दावा यह है कि ये फ्लाइंग पनडुब्बी 120 किलोमीटर प्रति घंटा से उड़ने में सक्षम है, जबकि आम तौर पर कोई ड्रोन 60 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ही उड़ सकता है। आखिर वो कौन सा हथियार है जो सबमरीन की तरह समंदर में छुप सकता है और ड्रोन की तरह आसमान से हमला कर सकता है? देखिए चीन से आ रही इस चौंकाने वाली खबर पर ये स्पेशल रिपोर्ट। चीन के एसी नैनजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स के एक प्रोफेसर एंग हैन सॉन्ग ने पीयर रिव्यू में प्रकाशित एक रिसर्च पेपर में इस ड्रोन के बारे में लिखा है कि ये दुनिया की ऐसी पहली सबमरीन होगी जो उड़ेगी भी और तैरेगी भी। इस सबमरीन में कोई भी इंसान नहीं होगा, बल्कि इसे रिमोट से संचालित किया जाएगा। इस सबमरीन में 2 मीटर के पंख लगे होंगे, जिससे ये आसमान में उड़ान भर सकेगी। फ्लाइंग सबमरीन एक ऐसा ख्वाब रही है जिसको पूरा करने की कई देशों ने कोशिश की है। चीन से पहले रूस, ब्रिटेन और अमेरिका ऐसी कोशिशें कर चुके हैं, पर युद्ध अभ्यास किया, जिसमें इंडोनेशिया के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर के कुल 5,000 से ज्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया है। अमेरिका के इस वॉर प्रैक्टिस को चीन अपने लिए खतरे के रूप में देखता है। यूनाइटेड स्टेट्स इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर एडमिरल जनरल क्रिस्टोफर एक्चुलिनी ने इस युद्धाभ्यास के दौरान चीन को कड़ा संदेश भी दिया। Stabilizing actions by the PRC as it applied to the threatening activities and actions against Taiwan is exactly what we are trying to avoid. And I can tell you from my seat, I spend every waking minute doing everything to ensure we are preventing conflict in the region. ताइवान के खिलाफ चीन ने अपनी सैन्य गतिविधि तेज कर दी है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि चीन के 13 फाइटर जेट ने ताइवान स्टेट की मध्य रेखा को पार किया है। चीन के मिलिट्री ड्रिल को देखते हुए ताइवान ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। तो ये बड़ी खबर है। चीन ताइवान तनाव को लेकर चीन ने अपने युद्धाभ्यास को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। जानकारी ये मिली है कि 13 फाइटर जेट्स ने ताइवान की सीमा को पार करने की कोशिश की है, ताइवान स्ट्रेट की मध्य रेखा को पार किया है, जिसके बाद ताइवान ने अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। चीन और ताइवान के बीच बढ़ते तनाव से सिर पर युद्ध का खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। वजह है कि चीन के 14 फाइटर जेट ताइवान जलडमरू मध्य में घुस आए। चीन के जंगी जहाज ने ताइवान को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, जिससे दो देशों के बीच युद्ध का खतरा बढ़ता दिखा। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि चीन लगातार अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ा रहा है। दावा किया गया कि चीन के 13 फाइटर जेट ताइवान स्ट्रेट यानी ताइवान जलडमरू मध्य में घुस आए और मध्य रेखा को पार कर लिया। ताइवान ने आरोप लगाया कि चीन लगातार ताइवान की सीमा के पास अपनी सैन्य गतिविधि को बढ़ा रहा है। ताइवान ने यह भी आरोप लगाया कि युद्धाभ्यास के जरिए चीन डराने की कोशिश कर रहा है। चीन पिछले एक सप्ताह से ताइवान की सीमा के पास मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी सीमा के पास चीन के 14 युद्धपोत और 66 फाइटर जेट की पहचान की। चीन की हरकत का जवाब देने के लिए ताइवान भी पूरी तैयारी में जुट गया। चीन के सैन्य हमलों का जवाब देने के लिए ताइवान ने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया।